योगेश भाई आ जाओ नहीं नहीं साइड में देते हैं नहीं बोलो भाई जा रहे हैं भाई कांग्रेस का क्या भुपिंदर सिंह सुक्खू जी नहीं कोई कांग्रेस पार्टी का वो मांगने आए हैं आपके पास अवस्थी जी के लिए किसको देंगे आप कांग्रेस पार्टी पार्टी आपकी है ना भाई जी भाई जी सभी ने तो सभी ने ठाकुर खोल दो चढ़ना किसी ने ऊपर मैं हूँ या मेरा चढ़ना किसी ने जय हो जय हो लो जाओ और बाइट ले लो आ जा पीछे 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 आ जाओ मुझे वाला हां जी नहीं जूते मुड़ गए नहीं नहीं हां जी आने के मेरे पकड़ा दो मैं पकड़ो सर लाइव चले मुझे हाँ लाइव चलना है हाँ जी लाइव लाइव बैठ के देंगे खड़े जैसे जैसे सर चार दिन शेष रह गए हैं चुनाव के किस तैयारियों के साथ यहाँ पहुँचे और कार्यकर्ताओं में जिस तरह जोश है क्या लगता है सर किस तरह देखिए अभी मैं आज जयराम ठाकुर जी आए थे और जयराम ठाकुर जी ने जो अपने उम्मीदवार का परिचय करवाया कि आप मुझे दीपावली का तोहफा दीजिए और जो चार साल में कमियां रह गई हैं उनको हम आने वाले 11 महीने में पूरा करेंगे। अब सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि कहते हैं अर्की में कुछ कमियां रह गई है, अर्की में कमियां ही कमियां रह गई हैं और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जनता का जोश हमें देखने को मिल रहा है इसमें महंगाई कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। कांग्रेस के समय गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपये का हुआ करता था, 50 रुपये बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि गरीब का जीना दुश्वार हो गया, गरीब क्या खाएगा। आज 450 से 7 साल में 1025 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। तो मैं तो अर्की की जनता से जब वो वोट डालने जाए क्योंकि ये उपचुनाव है और तो वो सिलेंडर की तरफ जरूर देखते हुए जाए और सिलेंडर को नमस्कार करके जाए कि हर महीने आपकी जेब से हमें 1100 रुपये निकल रहा है। इसलिए लोग महंगाई को मुद्दा बनाएंगे और ये महंगाई से ध्यान बटाते हैं और मैं ये चाहूँगा कि महंगाई के साथ जो युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ अर्की में बंद हो गए हैं उस रोजगार के अवसर की तरफ भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज कुछ करके जाते तो अच्छा होगा। सर कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार ये मुद्दा रखती है, उनकी महंगाई एक मुद्दा रहता है, तो सर इसमें क्या कहेंगे चुनाव के लिए? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं लगता कि वो उनकी प्रशासनिक क्षमता इतनी अधिक मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि ऑफिसर्स उनकी बात को सुनते होंगे। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को इग्नोर करते हैं ऑफिसर
माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि अर्की में दो उद्योग लगे हैं, अर्की विधानसभा क्षेत्र के 70% लोगों को रोजगार सीमेंट के जो अल्ट्राटेक का है, अंबुजा का है, वहाँ क्यों नहीं अभी तक मिला? वहाँ सिर्फ 35-40% जो रोजगार है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र के हिमाचल के लोगों को मिला हुआ है, 70% वहाँ भी नहीं मिला। आप ये पूछ, और माननीय मुख्यमंत्री इस बात का भी जवाब दें कि अर्की में सीमेंट पैदा होता है, अर्की के लोगों के लिए सीमेंट 480 रुपये का है, चंडीगढ़ के लोगों के लिए 350 रुपये का है। और अगर अर्की के खनिजों की बात कर ली जाए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिस उत्पादन पर उनकी सीमेंट की बोरी उत्पादित होती है, यानी कि प्रोडक्शंस होती है, उस दायरे में हम अर्की के लोगों को मकान बनाने के लिए जो 200 रुपये या 250 रुपये का रेट होगा, उस आधार पर हम कानून बनाकर अर्की के लोगों को अपना विकास करने के लिए सीमेंट की बोरी में कमी लाएंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे तो कांग्रेस पार्टी के मंडल के जो अध्यक्ष रहे हैं पूर्व, उन्होंने स्वागत किया है मंच पे आकर कल मुख्यमंत्री जी का, तो रूठो लोगों के लिए कुछ क्या स्ट्रेटजी सर? कुछ देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा में, और जो पीछे जो इस सत्ता के जो व्यक्ति थे, जो सत्ता के सारे राजनीति नहीं करते थे, सेवा का अभाव अगर किसी व्यक्ति में, तो 20 साल से जो कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है संजय अवस्थी जी में है। अब जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को तो कांग्रेस पार्टी से ने बाहर रास्ता निकाल दिया। वो तो पहले कहते थे कि मैं तो 4 साल पहले अभी सिर्फ सत्ता का सुख भोगने आया हूँ। वो तो पहले भी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। क्या नाम है उनका, क्या बोलते उसको, राजेंद्र ठाकुर है उसको, हाँ राजेंद्र ठाकुर जी वो थे। अच्छा, एक बात और है, वो यहाँ बड़ी चर्चा करते हैं कुनिहार में आकर, ये कहते हैं कि मैं टिकट का उम्मीदवार था। इवन वीरभद्र सिंह जी के परिवार के किसी सदस्य ने, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी तक ने और वीरभद्र सिंह जी के बेटे तक ने ये नहीं कहा कि राजेंद्र ठाकुर जी को टिकट देना चाहिए। तो ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं वो जानते थे, क्योंकि 2017 में, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, 2017 में संजय अवस्थी जी का टिकट अप्रूव हो गया था, फाइनल हो गया था, और वीरभद्र सिंह जी का चुनाव ठोक से लड़ना चाहते थे। मैं, हर्ष महाजन जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी और वीरभद्र सिंह जी ने संजय अवस्थी जी को बुलाया, चाय पर बैठाया, उनके आंसू संजय अवस्थी जी के निकले कि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्टर का भी ऑर्डर दे दिया था। लेकिन वीरभद्र सिंह जी के कहने पर उसने बोला कि अगर आप अर्की से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूँगा, और उस समय उन्होंने कहा था कि आपको टिकट मिलेगा। इसी कारण प्रदेश के सभी जो वरिष्ठ नेता इस टिकट आवंटन में बैठे हुए थे, मैं तो नहीं था उस टिकट आवंटन में, प्रदेश अध्यक्ष थे, CLP के नेता थे, जब हमसे पूछा गया तो हमने कहा कि ये बात हुई है, और इस आधार पर ईमानदार स्वच्छ छवि वाले नेता को टिकट दिया गया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कांग्रेस में विश्वास नहीं रखता वो पद कांग्रेस का छोड़कर अगर पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करता है, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद है। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ आके अपने वफादारियाँ खाते कांग्रेस का नाम पर है, और वफादारी के गुण भारतीय जनता पार्टी के खाते हैं, ऐसे लोगों का आने वाले वक्त में भी और भविष्य में भी दरवाजे बंद रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सुखो जी जो आप लिख रहे थे अपनी स्क्रीन पे, ये जो एक ब्लॉक इवेंट का ना, मैं एक और बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, और अगर रूप सिंह ठाकुर जी को इतना विश्वास है, और एक कौन है वो व्यक्ति जो राजा साहब का बड़ा सिपला सहार बनता था,
मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, रूप सिंह जी पार्टी का कार्य नहीं करना चाहते हैं और पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं तो पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अध्यक्ष को भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी देखा, जल्दी इस पर कार्रवाई। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके माध्यम से पता लगा कि पूरा उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष हमको जोश है, जोश है।